हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत रघुवंशी है और आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग फार्माकोलॉजी के टॉपिक ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल के फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन मेटाबॉलिज्म को स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग VLDL, IDL, LDL, HDL को डिस्कस करेंगे। इसमें से कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल है और इसका एक बेसिक मेटाबॉलिज्म पाथवे देखेंगे। तो दोस्तों, ये फूड में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का मेटाबॉलिज्म है, साथ ही लीवर में बनने वाले ट्राइग्लिसराइड एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म का पाथवे है। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये टाइप्स ऑफ फैट हैं जो हम खाने में खाते हैं और हमारी बॉडी में भी बनता है। कोलेस्ट्रॉल मेनली एनिमल सोर्सेज में पाया जाता है और ट्राइग्लिसराइड मेनली प्लांट सोर्सेज में पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरीन जो हम अपने बॉडी पे लगाते हैं, गाढ़ा सा लिक्विड होता है, वही ग्लिसरीन का ग्लिसरॉल होता है जिसकी केमिस्ट्री हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ तीन फैटी एसिड जुड़े होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये याद रखिए कि जब ये ट्राइग्लिसराइड मेटाबोलाइट होगा तो ये तीन फैटी एसिड अलग हो जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड की लंबी लंबी चेन्स होंगी तो उसमें फैटी एसिड और ज़्यादा होंगे। ये फैटी एसिड अलग हो करके हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन में और हमारे बॉडी के नेचुरल फैट को बनाने में रोल प्ले करेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एनिमल सोर्सेज में पाया जाता है, ट्राइग्लिसराइड प्लांट सोर्सेज में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारी बॉडी में विटामिन डी, बहुत सारे स्टेरॉयड और बाइल को बनाने में रोल प्ले करता है, तो इसका भी महत्व है। तो यहाँ ये जरूरी है समझना कि दोनों का अपना बायोलॉजिकल रोल है, बट एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा होने पर ये दोनों आपकी बॉडी में नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हमको अब पता हैं। अब हम चलते हैं इनका मेटाबॉलिज्म देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 1, 2, 3 में आप देख सकते हैं राइट साइड में फेट ऑफ फूड एब्जॉर्ब ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल लिखा है, जो कि एक तरह से फूड में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के मेटाबॉलिज्म का पाथवे है। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे हमारी जो लिम्फैटिक डक्ट होती हैं जिसको लैक्टियल कहते हैं फ्रेंड्स, लिम्फैटिक डक्ट, ये लिम्फैटिक डक्ट लिम्फ को कैरी करती है। यहाँ से काइल बनता है, CHYL काइल बनता है। ये काइल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, यानी इंटेस्टाइन की लिम्फैटिक डक्ट, लैक्टियल डक्ट जो होती है उससे काइल रिलीज होता है। ये काइल जा करके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से मिक्स होकर के, उससे ऐड होकर के और साथ में कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल ऐड होकर के, जिसको लिपोप्रोटीन कहते हैं, बिकॉज जब प्रोटीन लिपिड के साथ कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से जुड़ने के लिए लिपिड के साथ जुड़ जाता है तो इसको लिपोप्रोटीन कहते हैं, तो ऐड हो जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, काइलोमाइक्रॉन्स हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे इंटेस्टाइन में रिलीज हुआ वो प्रोडक्ट है, या एक वो फाइनल प्रोडक्ट है जो लैक्टियल डक्ट के हेल्प से सिंथेसाइज होता है। इसमें आपके सारे तरह के लिपिड जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपोप्रोटीन, ये सारे आपस में मिक्स होकर के पैक हो जाते हैं। फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए काइलोमाइक्रॉन्स बहुत ज़रूरी है, जो कि लैक्टियल डक्ट यानी लिम्फैटिक वेसल से रिलीज होता है। ठीक है, तो ये काइलोमाइक्रॉन्स में ट्राइग्लिसराइड आपका ज़्यादा रहता है और कोलेस्ट्रॉल कम रहता है। तो आपके फूड में मौजूद सारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड काइलोमाइक्रॉन में पैक होकर के ब्लड वेसल्स के जरिए लीवर की तरफ जाता है। जब ऐसा हो रहा होता है स्टूडेंट्स, तो ब्लड वेसल्स में मौजूद लिपोप्रोटीन लाइपेज जो फर्स्ट स्टेप है, ये LPL क्या करता है,
इस ट्राइग्लिसराइड को मेटाबोलाइट करने लगता है, और ये ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड को फ्री करके रिलीज होगा और धीरे धीरे ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होता जाएगा। ये फ्री फैटी एसिड जो कि काइलोमाइक्रोन में मौजूद ट्राइग्लिसराइड है, इसका मेटाबॉलिज्म से बना हुआ फैटी एसिड हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन प्ले करता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये फैटी एसिड बॉडी में एडिपोज टिश्यू बनाने में रोल प्ले करता है, साथ ही बीटा ऑक्सीडेशन के ज़रिए ये हमारी बॉडी में एनर्जी भी देता है। जब कार्बोहाइड्रेट हमको नहीं देता है एनर्जी, या इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर हमको एडिपोज टिश्यू से या फैट से एनर्जी लेनी होती है तो हमारी बॉडी बीटा ऑक्सीडेशन के ज़रिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो बहुत सारे रोल हैं जिसको हम बाद में सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल हमारा काइलोमाइक्रोन ट्राइग्लिसराइड को मेटाबोलाइट करते हुए विद द हेल्प ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ब्लड वेसल्स में मौजूद जो कि है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, उसके हेल्प से मेटाबोलाइट करते हुए हमारा काइलोमाइक्रोन बचे खुचे ट्राइग्लिसराइड और पूरे बचे हुए कोलेस्ट्रॉल का भी कहीं भी कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है उसके साथ वो पहुँचेगा लीवर में। यहाँ पे स्टेप टू होगा फ्रेंड्स, ये है एचएल यानी हिपैटिक लाइपेज। लाइपेज एंजाइम है तो फिर क्या करेगा, ये भी बचे हुए ट्राइग्लिसराइड को मेटाबोलाइट करेगा। और अब स्टेप थ्री में आप देख रहे हैं काइलोमाइक्रोन बचा ओनली विथ कोलेस्ट्रॉल, यानी काइलोमाइक्रोन ओनली विथ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इस कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा फ्रेंड्स, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये फैट था हमारे फूड में एब्जॉर्ब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का, फाइनल स्टेप में हमारा कोलेस्ट्रॉल लीवर में चला गया। लीवर इज़ द लिटिल बिट सेफर प्लेस फॉर कीप कोलेस्ट्रॉल फॉर फ्यू टाइम्स। ठीक है, अगर ये कोलेस्ट्रॉल फ्री फॉर्म में तैरता रहता ब्लड वेसल्स में तो कोरोनरी आर्टरी या कहीं भी ब्लॉकेज करता। बचा हुआ सारा ट्राइग्लिसराइड जो हमारा फूड से एब्जॉर्ब हुआ ये ऑलमोस्ट मेटाबोलाइट हो चुका है फ्रेंड्स, जो बचा हुआ है वो लीवर में जा चुका है। अब हम देखते हैं लीवर खुद सिंथेसाइज करता है ट्राइग्लिसराइड एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल भी, उनका क्या होता है। तो फेट ऑफ लीवर सिंथेसाइजिंग ट्राइग्लिसराइड एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल, जिसको मैंने ए बी सी डी ई एफ स्टेप में रिप्रेजेंट किया है। तो पहले ए स्टेप में ट्राइग्लिसराइड प्रोड्यूस बाय लीवर एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल, फिर क्या होगा फ्रेंड्स, स्टेप बी में MTP एक खास तरह की प्रोटीन होती है लीवर में जिसका नाम है माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये क्या करती है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल एस्टर को, ये कोलेस्ट्रॉल जो फूड से आया और जो हमारे लीवर ने बनाया, ये सारा कोलेस्ट्रॉल अब कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट हो गया है विद द हेल्प ऑफ लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफरेज नाम के एक एंजाइम से, जिसके बारे में अभी अगली स्लाइड में आएगा। फिलहाल इतना समझिए कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर के फॉर्म में, और ट्राइग्लिसराइड जो लीवर में बचा हुआ था और जो लीवर ने बनाया, ये दोनों VLDL के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी VLDL क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर के फॉर्म में और ट्राइग्लिसराइड ट्रैप हो जाएंगे। इसमें भी फ्रेंड्स वैसे ही जैसे काइलोमाइक्रोन होता है वैसे ही VLDL है, कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं है। बहुत ही अगर सुपरफिशियल लेवल पर देखा जाए तो इसमें आपके कोलेस्ट्रॉल एस्टर कम होंगे और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होंगे, जैसे काइलोमाइक्रोन्स में था ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा थे कोलेस्ट्रॉल कम थे। सुपरफिशियल लेवल पर फ्रेंड्स कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगर हम बहुत ही बायोकेमिकल लेवल पर देखेंगे तो डिफरेंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम फार्माकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये VLDL फ्रेंड्स बनने के बाद रिलीज होगा ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में तो ऑलरेडी आपको पता है कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज है, ये क्या करेगा, हम स्टेप सी की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, हाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये ब्लड वेसल्स में मौजूद लाइपोप्रोटीन लाइपेज इस ट्राइग्लिसराइड को मेटाबोलाइट करेगा। क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड के मेटाबोलिज्म के बाद VLDL कन्वर्ट हो जाएगा IDL में। कब, जब धीरे धीरे ट्राइग्लिसराइड का मेटाबोलिज्म होता जाएगा और जब ट्राइग्लिसराइड जो है ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर के बराबर हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एस्टर उतना ही है, कम है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड भी कम होते होते, सपोज करिए कोलेस्ट्रॉल एस्टर
20% है और ट्राइग्लिसराइड 80% है। तो धीरे धीरे मेटाबोलाइट होते होते जब ट्राइग्लिसराइड भी 20% बच जाएगा अपने इनिशियल अमाउंट का और कोलेस्ट्रॉल एस्टर भी 20% है, तो दोनों बराबर हो गए। ऐसे में VLDL आइडियल में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडियल VLDL से थोड़ा सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, बैड तो ये भी है, सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल आपका VLDL है। तो जब कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्राइग्लिसराइड के बराबर हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये आइडियल यानी कि इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बन गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से स्टेप डी की तरफ हम बढ़ेंगे। स्टेप डी दो पार्ट में हो रहा है, D1 एंड D2। D1 में आइडियल यानी इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है वो सीधे डायरेक्टली एक रिसेप्टार के थ्रू एक्सेप्ट किया जाता है जो कि लीवर में होता है। वो रिसेप्टार है फ्रेंड्स LDLR रिसेप्टार, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टार, बहुत सिंपल नाम है, LDL का रिसेप्टार है ये। अभी तक हमने LDL नहीं बनाया है फ्रेंड्स। अब D2 में जो D का सेकेंड फेट है D2, इसमें क्या होगा, आइडियल कन्वर्ट होगा LDL में, ठीक है। कब, जब आइडियल में भी बचा खुचा सारा का सारा ट्राइग्लिसराइड अप्रॉक्स 100% ट्राइग्लिसराइड मेटाबोलाइट हो जाएगा हिपैटिक या फिर ब्लड वेसल्स के लिपोप्रोटीन लाइपेज के थ्रू। तो यानी कि LDL में फ्रेंड्स प्योर और प्योर कोलेस्ट्रॉल एस्टर होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज सारे के सारे ट्राइग्लिसराइड को मेटाबोलाइट कर चुका होता है, तो यानी कि आपके ट्राइग्लिसराइड नहीं होते। LDL मींस नो ट्राइग्लिसराइड, ओनली कोलेस्ट्रॉल एस्टर। अब ये LDL जो होगा ये वेरियस टिश्यू से होते हुए ट्रांसपोर्ट होते हुए पूरे बॉडी में, फिर ये कहाँ पहुँचेगा, लीवर में पहुँचेगा, और अब ये LDLR यानी कि वही जिसके थ्रू आइडियल एक्सेप्ट हुआ, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के रिसेप्टार के थ्रू एक्सेप्ट हो जाएगा। और इसमें कैक्सीन नाम की प्रोटीन KEXIN कैक्सीन नाम की टाइप 9 प्रोटीन हेल्प करती है। ये जीन है कैक्सीन टाइप 9 जीन, इसके थ्रू जो प्रोटीन बनता है वो इसमें रोल प्ले करता है। इसका पूरा नाम है प्रो प्रोटीन कन्वर्टेज सब्टिलिसिन / कैक्सीन टाइप 9, ठीक है, जिसको PCSK9 भी कहते हैं। ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा LDL को और IDL को खींच करके अट्रैक्ट करके लाके रिसेप्टार से बाइंड करता है। और ये रिसेप्टार क्या करते हैं, लाइसोसोमल एसिड लाइपेज को एक्टिवेट करके लाइसोसोम जो कि सुसाइडल बैक होता है उसको एक्टिवेट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल को, लिपोप्रोटीन को और आपके सारे ट्राइग्लिसराइड को, यानी आइडियल और LDL, मेनली LDL का फेट यही है फाइनली कि लाइसोसोमल एसिड लाइपेज उसको डिस्ट्रॉय कर दे। बट फ्रेंड्स ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल को या ट्राइग्लिसराइड को मेटाबोलाइट नहीं कर सकता। फिर भी ऐसे समझिए कि जैसे कहा जाता है कि LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बेकार है, तो ऐसा नहीं है, एक सर्टेन रेंज में LDL भी ज़रूरी है, बिकॉज ये नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू लाइसोसोमल एसिड लाइपेज के हेल्प से हमारे एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को मेटाबोलाइट करता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर लेवल बढ़ गया, तो अगर लेवल इससे ज़्यादा हो गया तब HDL रोल प्ले करेगा। तो अब हम HDL को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ये पूरा वीडियो बनाने में 5 आवर का टाइम लगा है, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है ये इमेजेस और सब कुछ, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। अब चलिए HDL डिस्कस करते हैं। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये वन ऑफ द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल है या बेस्ट कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, और इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड जब हमारी बॉडी में नॉर्मल VLDL, LDL, काइलोमाइक्रोन्स ये सब जो लिपोप्रोटीन्स हैं, टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये जब बढ़ जाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में HDL बनता है। कहाँ से बनता है, लीवर के हिपैटोसाइट से और इंटेस्टाइन की इंटेरोसाइट से, जो कि एब्जॉर्प्शन करने वाली सेल है इंटेरोसाइट्स, इनसे नेसेंट HDL बनता है फ्रेंड्स। ये नेसेंट
HDL जो होता है ये मैच्योर होकर के ये सारे के सारे फ्री कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से? मैक्रोफेज से और पेरिफेरल टिश्यू से। अब फ्रेंड्स मैक्रोफेज कहाँ से आ गए इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले पेरिफेरल टिश्यू समझ लेते हैं, LDL के थ्रू, VLDL के थ्रू, काइलोमाइक्रोन्स के थ्रू जो कोलेस्ट्रॉल लाइपोसोमल लाइपेज के थ्रू डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा था, यानी कि ओवरऑल जो कोलेस्ट्रॉल लाइपोसोमल लाइपेज के एक्टिवेट होने के बाद भी, कैक्सिन प्रोटीन के एक्टिवेट होने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, इस सारे पेरिफेरल टिश्यू में तैरते हुए कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके थ्रू फ्रेंड्स? हमारे HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हमारे हीरो के द्वारा। ये हमारा HDL हीरो का काम कर रहा है, देखिए पूरा का पूरा, ये बाद में आया है आधी मूवी के बाद में, इंटरेस्टिंग है। तो HDL अब क्या करेगा, पेरिफेरल टिश्यू से सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल को, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ एक चीज़ और समझिए, मैक्रोफेज जो कि ब्लड में मौजूद मोनोसाइट्स का एक फैगोसाइटिक ओरिएंटेशन है, दैट इज़ मैक्रोफेज, यानी हमारा ब्लड में मौजूद मोनोसाइट ज़रूरत पड़ने पर फैगोसाइटोसिस करने के लिए अपना स्ट्रक्चर बड़ा कर लेता है जैसे हल्क, और वो मैक्रोफेज बन जाता है। ये मैक्रोफेज क्या करता है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है, डाइंग सेल, जो सेल डाई कर रही थी ड्यू टू द कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल या किसी भी रीज़न से, उनके कोलेस्ट्रॉल को ये मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस करने के लिए अपने अंदर ले लेता है, लेकिन उनका पूरा फैगोसाइटोसिस कर नहीं पाता है। तो मैक्रोफेज थोड़ी देर के लिए कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए उस कोलेस्ट्रॉल को, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल सेल को ख़राब करता, तो मैक्रोफेज उसको अपने अंदर ले करके सेल को बचा लेगा। लेकिन मैक्रोफेज भी जब कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो ये मैक्रोफेजेस के लिए भी अच्छा नहीं होता है, वो खुद बर्स्ट नहीं हो पाते, इनगल्फ नहीं कर पाते प्रॉपरली, फैगोसाइटोसिस नहीं कर पाते। ऐसे में इन सेल्स को जब एक्सेस में आपके कोलेस्ट्रॉल को और लिपोप्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेता है मैक्रोफेजेस, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को नहीं सारे लिपोप्रोटीन को, तो ऐसे में इन मैक्रोफेजेस की सेल्स को फोम सेल कहते हैं, ठीक है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है CSIR और GPAT के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैक्रोफेजेस के पास भी जो कोलेस्ट्रॉल था प्लस पेरिफेरल टिश्यू में जो कोलेस्ट्रॉल था, इस पूरे को HDL ले लेगा। अब HDL क्या करेगा, HDL के ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है लेसिथीन कोलेस्ट्रॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये इस कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट कर देगा। इवन काइलोमाइक्रोन्स में भी ये एंजाइम काम करता है, बट HDL में ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सारा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो था वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ HDL, हमारे हीरो, हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल या फिर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के ज़रिए। अब इस पूरे के पूरे कोलेस्ट्रॉल के दो फेट हैं। पहला, डायरेक्टली ये स्कैवेंजर रिसेप्टार जिस लीवर में होता है, अब ये स्कैवेंजर रिसेप्टार फ्रेंड्स ऐसा एरिया है लीवर का जहाँ पे जाने के बाद कोई भी सेल जिंदा नहीं बचती। नॉर्मल VLDL, आपके IDL, LDL जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते, बट ये HDL खुद कुर्बान होते हुए उस कोलेस्ट्रॉल को वहाँ तक पहुँचा देता है। तो स्कैवेंजर सेल के जो रिसेप्टार होते हैं इनको SRBB1 रिसेप्टार कहते हैं, स्कैवेंजर रिसेप्टार। फ्रेंड्स थोड़ा सा फेंट दिख रहा होगा, हाथ से बनाया हुआ, नेक्स्ट टाइम इमेज पे मैं और ज़्यादा क्लियरिटी रखने की कोशिश करूँगा। तो SRBB1 रिसेप्टार जो होते हैं ये लीवर में होंगे और ये स्कैवेंजर रिसेप्टार हैं, तो यहाँ पे के इस ये एक्सेप्ट कर लेंगे सारे के सारे HDL को, जिसमें ट्रैप्ड है सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल जो पेरिफेरल टिश्यू और मैक्रोफेजस से लिया गया है। एक तो ये फैट हो गया फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोलेस्ट्रॉल बच गया, ज़्यादा हुआ, यानी कि HDL से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ कोलेस्ट्रॉल, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ये काइलोमाइक्रोन्स को और वहाँ से ये VLDL के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लीवर से होते हुए। ये VLDL क्या करेगा फ्रेंड्स, ये IDL के थ्रू फिर HDL में
सॉरी आईडीएल के थ्रू फिर एलडीएल में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट ये वीएलडीएल एलडीएल में कन्वर्ट होगा। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आपने देखा पिछले, फिर से मैं चलता हूँ पिछले स्लाइड में, आप देख सकते हैं स्टेप डी सेकेंड आईडीएल कन्वर्ट हो रहा था एलडीएल में, पहले वीएलडीएल कन्वर्ट हो रहा था आईडीएल में, फिर ये आईडीएल कन्वर्ट हो रहा था एलडीएल में। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्योंकि एचडीएल यहाँ पे काम कर रहा है, इसलिए एचडीएल के ज़्यादा होने की वजह से या एचडीएल के अच्छे अमाउंट में होने की वजह से हमारा वीएलडीएल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा एलडीएल में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सीईटीपी, कोलेस्टराइल एस्टर ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कोलेस्ट्राइल एस्टर ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के हेल्प से वीएलडीएल डायरेक्टली कन्वर्ट होगा फ्रेंड्स एलडीएल में, और ये एलडीएल बहुत ही फ्रिक्वेंटली एलडीएलआर रिसेप्टर के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जहां से माइक्रोसोमल एंजाइम इसको मेटाबोलाइट कर देंगे, माइक्रोसोमल लाइपेज एंजाइम, और ये पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइट हो जाएगा एक्स्ट्रा अगर एचडीएल का अमाउंट ज़्यादा है। ऑल दो फ्रेंड यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि फिर भी मैं कहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल का इस पूरे प्रोसेस, यानी आपने पूरा मेटाबॉलिज्म देख लिया उसके बाद भी कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो और बहुत कम होता है, तो बेटर होगा कि हम एचडीएल ज़्यादा लें, बट एचडीएल की भी अपनी एक सर्टेन लिमिट होती है, बहुत ज़्यादा ये भी कोलेस्ट्रॉल को मैनेज नहीं कर सकता अगर हम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। और ये कोलेस्ट्रॉल लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम वेस्ट है, ज़्यादा होने पे नुकसान करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है, बट एकदम वेस्ट नहीं है। इसके यूज़ को भी हम देखेंगे, मेवालोनिक एसिड पाथवे में जाता है ये, और बहुत सारे स्टेरॉइड्स बनाता है, विटामिन डी का सिंथेसिस करता है, इसके अलावा बाइल का फॉर्मेशन करता है, और भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं। हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो फ्लूइड होती है, फ्लूइड मोजैक मॉडल फ्लूइड फॉर्म में होती है, मूव करती रहती है, उसको रिजिडिटी देने का काम कोलेस्ट्रॉल करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, मैंने एक ग्राफ बनाया लिपोप्रोटीन्स का, काइलोमाइक्रोन्स वीएलडीएल एलडीएल एचडीएल ये सारे लिपोप्रोटीन्स हैं। इनमें डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्रोटीन और फैट के रेशियो में, आप देख सकते हैं काइलोमाइक्रोन्स में प्रोटीन बहुत कम है, फैट ही फैट है। वीएलडीएल में फ्रेंड्स प्रोटीन थोड़ा काइलोमाइक्रोन से ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा है। एलडीएल में आप देख सकते हैं फ्रेंड प्रोटीन थोड़ा और बढ़ गया, अभी भी फैट ज़्यादा है। और एचडीएल में फ्रेंड्स 50% प्रोटीन और 50% फैट है, तो इसीलिए एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये नुकसान नहीं करता है। वन लाइन में फ्रेंड्स एचडीएल अच्छा इसलिए है बिकॉज ये फैट को ले जाता है लीवर में और उसको डिस्ट्रॉय करने में, मेटाबोलाइट करने में रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बना है, अगर अच्छा लगा या जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना कमेंट्स दीजिए और मेरा नंबर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल से, अगर इससे रिगार्डिंग नोट्स आपको पीडीएफ में चाहिए तो मैं पर्सनली व्हाट्सएप पर आपको वो नोट्स भेज दूँगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़, ओके, थैंक यू।